हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है, ठीक है। चाहे आपका 23 को पेपर, चाहे 24 को, चाहे 25 को और 30 31 वाले सभी शिफ्टों के लिए जरूरी सूचना है, तो ये क्लास जरूर देख के जाना। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो लोग घबरा रहे हैं ना, जिसका 23 को पेपर है और जिसको 31 को पेपर है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही। 31 वाले इसलिए घबरा रहे हैं कि हमारा इतना लेट है, तब तक सब कुछ तो पूछ लिया जाएगा, हमारा क्या होगा भाई, है ना, घबरा रहे हो ना। और 23 वाले इसलिए घबरा रहे हैं कि सर पहले ही दिन पेपर क्या लेवल होगा, कैसे होगा, और पहले ही दिन क्या पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ये सब कुछ सभी लोगों को घबराहट हो रही है ना। तो देखो क्या होने वाला है, जिसको 23 को पेपर है और जिसको 31 को पेपर है, और बीच वाले क्या करें, तो क्या सिस्टम है, वो सारी चीजें जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो बने रहना हमारे साथ लास्ट तक, कैसे कैसे क्या होगा और क्या करना है आपको। अगर आपका 31 को पेपर है तो आपको क्या करना है, अगर आपको 23 को पेपर है तो आपको क्या करना है, ठीक है। कैसे आप सभी लोगों को उम्मीद, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, 31 वाले बिल्कुल खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और 23 वाले घबराने की क्यों जरूरत है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तो देखो घबराने की तो किसी को जरूरत नहीं, जिसको 23 को पेपर वो भी मत घबराए, जिसको 31 को वो भी मत घबराए। देखो 31 वालों का क्या है, 31 वालों को एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, और 23 तारीख वालों का क्या होगा, तो सबको आज चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए देखो, जिसका 23 तारीख को पेपर है, कितनी तारीख को, 23 तारीख को पेपर, ठीक, और जिसका 31 तारीख को पेपर है, इन लोगों में भाई साहब बिल्कुल जंग छिड़ी हुई है। कैसे, 23 तारीख वालों को, जिसका 23 तारीख को पेपर है, बहुत परेशान है वो लोग, माइंड डिस्टर्ब है उनका कि मेरा कैसे होगा, क्या होगा, कैसा लेवल आएगा, ठीक है। तो देखो अभी तक जो हमने तैयारी की, लेवल तो वही रहेगा जो तैयारी की, जो दिया गया था सिलेबस में, तैयारी तो वही थी, तो ऐसे लेवल तो अलग तो आया नहीं, और जैसे पिछली बार री एग्जाम हुआ था, लेकिन अब देखो वो एग्जाम हुआ था, इस बार तो री एग्जाम। अब देखो अगर 23 वालों को देखो मिनिमम आपको स्कोर कितना करना, वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि इतना स्कोर करना ही करना है, ठीक। अब देखो 23 तारीख को क्या है, अगर 23 तारीख को आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट की, कितने 100, ठीक है। और वही क्वेश्चन 31 तारीख वाले पता कितने अटेम्प्ट करेंगे, 31 तारीख वाले कम से कम नहीं तो 110, कम से कम नहीं कितने 110 अटेम्प्ट करेंगे, गारंटी है इस बात की भाई, करेंगे, सभी को पता है इस चीज को, 110 करेंगे। जो अगर 23 तारीख वाले 100 करेंगे ना, तो 31 तारीख वाले 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एनालिसिस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस, क्योंकि इससे हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि हाँ भैया लेवल क्या है, और लेवल वही रहता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं बस, क्या नाम, मैथ के सर सिर्फ संख्याएं चेंज रहती है, और जीके जीएस तो भाई आता है कहां से आ जाए कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन रीजनिंग और मैथ और हिंदी में पकड़ हो जाती है भाई सब, जिसका लास्ट में पेपर। लेकिन आप 23 तारीख वाले क्या करें, क्या 23 तारीख वालों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, भाई क्यों नुकसान होगा, 23 तारीख वाले अगर ये मेहनत के लाएंगे ना 110, तो ये बिना मेहनत के 110 हो जाएंगे, इनके बिना मेहनत के प्लस 10, तो यही तो खेल है भाई, यही तो खेल है, इसी को तो बोलते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन। क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। भाई अगर 23 तारीख वाले 100 कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कर लिए 110, क्योंकि इन्हें पेपर पता लग गया लेवल कैसा है, पता लग गया ना लेवल कैसा है। अब क्या करोगे, अब 23 तारीख वाले करें भाई इनको पेपर लेवल पता लग गया, इनका फायदा होगा, हमारा क्या होगा, तो भाई तुम्हें बिना मेहनत के फायदा होगा, क्या बिना मेहनत के फायदा, अगर तुम 100 भी करके आए ना, तो तुम्हारे भी 110 होंगे, और ये हद से ज्यादा है, क्या नाम, 10 क्वेश्चन इंक्रीज कर लेंगे, तो ये मेहनत के ले जाएंगे 10 अपने, लेकिन तुम्हारी किस्मत चमकेगी यहां से, ये किस्मत वाले 10 हैं, ये मेहनत वाले 10 हैं, है ऐसा, रियल है भाई, 100% रियल है। आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में देखा होगा, या फिर जितनी भी वैकेंसियां भर्ती हुई हैं यूपी पुलिस की, या फिर आप उसी को ले लो, क्या बोलते हैं, पेट को ले लो, आपने पेट का पेपर दिया होगा, पहले दिन जिसका पेपर हुआ था सबके दो नंबर बढ़े थे सबके, और जिसने बाद वाली सब उसके दो नंबर घटे थे, -2 घटे थे, क्यों घटे थे, उनको लेवल पता लग गया, ये लेवल आ रहा है पहले सेकंड शिफ्ट वालों को, और पहले शिफ्ट वालों को कुछ नहीं पता था, इसलिए इनके प्लस 2 नंबर किए गए थे भाई, किए गए थे, सच्चाई है ये, और आप लोगों को पता भी होगा इस चीज को, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अब बचे हैं बेचारे, पिस गए हैं कौन, 23-31 वालों की तो टक्कर हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि सर 24-25-30 वालों का क्या होगा, तो भाई इनका भी देखो 24 वालों को हद तक इनके साथ लाया जाएगा 24 तारीख को, एक दिन में कोई लेवल किसी को नहीं पता लग जाता है भाई, 5 दिन पेपर चलेगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल है। और देखो, और नॉर्मलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, पेपर इजी या हार्ड, इसमें भी डिपेंड करता है कि पेपर लेवल कैसा आया, तो लेवल देखो, लेवल पे भी आधार होता है कि पेपर का लेवल कैसे आया, अगर पेपर का लेवल इजी है, अब लोग कह रहे हैं कि मेरिट ये जाएगी कंफर्म, देखो कंफर्म तो कोई नहीं बता पाएगा मेरिट कितनी जाएगी, लेकिन एक अंदाज लगा के सबने बोला है कि कम से कम नहीं तो आपको 100 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, इस बार इतना कंपटीशन है, पहले 90 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता था, नॉर्मलाइजेशन बाकी मिल जाता था,
लेकिन इस बार कोशिश करना दोस्त सभी लोगों को कितने क्वेश्चन ठीक करके आने, 100 क्वेश्चन। अब ये 100 क्वेश्चन करने कैसे, किस लेवल से कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो सही से वीडियो देखना, ध्यान से देखना। देखो आपसे पूछा जाता है कितने, देखो 37 आपके हिंदी में क्वेश्चन होंगे और 38 आपके होंगे किसमें, जीके जीएस में, क्या जीके जीएस में, ठीक है। और लगभग लगभग पता 55 क्वेश्चन होंगे किसके, रीजनिंग के, ठीक है। और लगभग 20 क्वेश्चन होंगे आपके क्या, मैथ के। तब देखो आपको स्कोर किसमें करना है और टाइम स्पेंड किसमें करना है, चीजें मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ दोस्त। अगर सही से देख लिया ना, समझ लिया ना, तो बाकी में 100+ करके आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। देखो कैसे आप हिंदी में कम से कम स्कोर करके आएंगे, कम से कम अगर आपने पढ़ी है तो 30 क्वेश्चन करके आएंगे, 100% कह रहे हैं 30 क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि हिंदी इजी होती है। एक दो क्वेश्चन विलोम से हट जाएंगे, हो सकता है रचनाएं ना आ पाए आपको, यही क्वेश्चन स्किप जाएंगे, बाकी तो सब कर लेंगे। पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का, डन है, 5 नंबर वो कर लोगे। और क्या नाम, प्रत्यय कर लोगे, कर लोगे ना, उपसर्ग कर लोगे, छंद कर लोगे, अलंकार कर लोगे, रस कर लोगे, पर्यायवाची में हो सकता है एक में दिक्कत आ जाए, एक पर्यायवाची पूछा जाएगा या दो, विलोम में हो सकता है दिक्कत है। तो 2 क्वेश्चन यहां से छूट गए, पर्यायवाची विलोम में एक दो, उसके बाद एक दो रचनाएं छूट गई, 3-4-5, तो ये 3-4-5 क्वेश्चन छूटेंगे आपसे, बाकी सब कर लोगे आप, क्योंकि इस तरीके से पढ़ा भी दिया और सबने पढ़ा है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, ठीक। उसके बाद जीके जीएस में आपको कुछ नहीं मालूम है, आपने अगर मेरी क्लास एक मैराथन क्लास लगी हुई है किसकी, यूपी जीके, उससे अगर क्वेश्चन वो अगर एक बार पढ़ी तो कम से कम नहीं तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर, 5 क्वेश्चन क्लियर, बस सिर्फ देखना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, देख लिया 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का तो यूपी जीके हो, आप इसमें से सब कुछ मिला के कम से कम नहीं तो करंट 1-2 क्वेश्चन हो गए। कुछ चीजें ऐसे होंगी जहां आप जानते हो सकता है आपसे पूछे कि वो वाला जिला कौन सा है, बताइए मंदिर, राम मंदिर कहाँ बना है, ये पूछ लेंगे, अयोध्या में कहाँ बना है, ठीक है, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। हर चीज आप याद रखना है, ट्रेन डकैती कहाँ हुई, लखनऊ का कोरी कांड याद रखना, ये यहीं से सब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या संविधान कोई भी संविधान संशोधन कोई भी पूछ लिया है, जीएसटी से बारे में, जीएसटी 101 में हुआ था, ये चीजें पूछ लिया, आर्टिकल पूछ लिया है, किस आर्टिकल में आता है, समानता का अधिकार किस में आता है, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 6 से 14 वर्ष वालों बच्चों के लिए ये सब कुछ मैराथन में करा रहा हूँ, ये सब कुछ बताऊंगा, यहीं से पूछा जाए 100%, ठीक है। तो कुल मिला के आप इसमें से कम नहीं तो इजी से इजी कम से कम 20 क्वेश्चन करके आओगे, कम से कम 20 क्वेश्चन आराम से करके आओ। ये 55 का जो खेला है, 55 का अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ी, लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको आती है तो 55 में कम से कम आराम से 50, मैं मानता हूं आप 50 नहीं कर पाओगे, 45 तो आराम से करके आओगे, 10 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, लगेगा कि आपको हार्ड है, ठीक है। और ये इसमें से 10 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं इसमें 10 क्वेश्चन। अब देखो नंबर कितने हो गए आपके, 0, 0, 0, 5, 4, 1, 5, 5 और 2, 7, 3, 10, 105 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए। जब आपको कुछ नहीं पता होगा तब भी आपके मतलब ऐसा लेवल, जब ज्यादा करोगे तो इसमें कम से कम 50 करोगे, इसमें कम से कम 15 करोगे और इसमें कम से कम 35 करोगे, तो 105 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो गए, 100 तो करके आने ही आने हैं। लड़कियों आप 90+ करना, सिलेक्शन पक्का है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप लोग घबरा रहे हो कि नहीं सर ऐसे क्या होगा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यहाँ पे 100 करके आए तो 110 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, मतलब 100 करके आए 200 नंबर आपके 210 के आसपास, 220 के आसपास पहुंच जाएंगे, 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, हकीकत है ये भाई, हकीकत है, सच बता रहा हूँ। तो 23 वाले बिल्कुल मत घबराएं, ठीक है। और 24 वाले को भाई साहब इनको सबको डिफरेंस लिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन सबको मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, 31 तारीख को सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये बात हकीकत है। भले ही आपको लग रहा है कि 27 तारीख वालों के लिए ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, नाइंसाफी इसलिए हो रही है भाई साहब, 23, 24, 25 तीन शिफ्टों का इसका एनालिसिस आपको देखने का अनुभव, उसके बाद 30 का भी अनुभव, 20 में 5 दिन गैप, इसका भी अनुभव। तो भैया आप तो 10 नंबर ऐसे ही इंक्रीज कर दोगे, आपको लेवल पता लग जाएगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, तो फिर क्यों घबराने की जरूरत है, आप तो वैसे भी कर दोगे, ठीक है। अब भाई साहब आप क्वेश्चन लोग कह रहे होंगे सर 25-26 वालों का क्या होगा, वो 24-25 वालों का क्या होगा, तो उनको भी इसी के साथ अटेंड किया जाएगा। जैसे आप अगर आप यहाँ पे 95 करके आगे तो आपके 100 हो जाएंगे, 100% 100 हो जाएंगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज जरूर होंगे और आपको लेवल भी पता लग जाएगा, क्या आपको लेवल भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतने ऐसी टाइप के क्वेश्चन करने, और समय आपको अगर देना है तो पहली प्रायोरिटी किसको देना, हिंदी को, हिंदी के बाद जीके जीएस सॉल्व करना, ठीक है, जो आता उसको लगाना, और कम से कम मैं आपको बता दूं 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आप लास्ट में क्या ओमआर भरने के लिए बचा लेना। अब तो घड़ी लगी होगी आपके पास,
क्या लगी होगी, घड़ी लगी होगी और मार्कशीट के लिए बचा लेना। और एक वीडियो मैं और आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ कि क्या क्या लेके जाए, क्या ना लेके जाए, किसमें हो सकती है आपको दिक्कत, ठीक है। और आईडी प्रूफ कौन सा लेके जाए, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, ठीक है। ट्रेन क्या होगा, क्या मैं ट्रेन फ्री जाएगी कि नहीं, वो तो अब आपको खुद पता है, कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आपको करना है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हिंदी करना है, फिर जीके जीएल, फिर करना रीजनिंग, लास्ट में करना मैथ जो समय बच जाए। और जो क्वेश्चन ना आए दोस्तों मटको, उसको स्किप कर देना, उसके चक्कर में मत पढ़ना, बढ़ना इजी के वो कहना, उसके चक्कर में आपके सारे इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपको लगा मैं इसको करूंगा करूंगा, और करने की वजह से आपका नुकसान हो चुका होगा। क्यों नुकसान हो चुका होगा, कि आप उसमें लगे पड़े, आगे देखा और यहां तो बहुत सिंपल थे, तो पूरा पेपर एक बार जरूर देख लेना फटाफट जितनी जल्दी कोशिश कर पाओ, और 10 से 15 मिनट बचा लेना लास्ट में ओमार भरने के लिए, और ओमार सीट सही से भरना दोस्त, मैन हमारी किस्मत ओमार सीट ही है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 2 नंबर कट के, हो सकता है लास्ट में कहीं हमारा 2 नंबर हमारा सिलेक्शन रोक दे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं। तो दोस्त जीके जीएस की मैराथन ला रहा हूँ, 100% फंसाऊंगा कम से कम 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग की मैराथन ला रहा हूँ, सब कुछ वही लेवल होगा, ध्यान देना। आपको मानसिक अभिरुचि की डेली क्लास आती है, उसको एक बार जरूर नजरों में डालना, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मानसिक अभिरुचि, ठीक है। जीके जीएस की बारी और हिंदी की, एक क्लास में पूरी हिंदी खत्म, और सब कुछ फंसा दूंगा हिंदी से, मैं गारंटी देता हूँ। एक बार हिंदी की मैराथन क्लास जब आप देखें ना, आप भी कहेंगे सर बाकी में फंसा था, 23 तारीख वाले जरूर खुश होके आएंगे कि कहेंगे आज सर बिल्कुल फंसा था। तो 5 दिन 5 मैराथन तैयारी बहुत और मजबूत, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ बने रहोगे तो जब तक आप लोगों की क्या ना मेहनत चलेगी, तब तक मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करता ही रहूंगा। और आप लोगों के लिए आज शाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ रही है, ठीक है, जो आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर कब मिलेगा गिफ्ट, मिलेगा, मेहनत करते रहो दोस्त, मेहनत करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। और क्या सूचना थी, जरूरी सूचना यही थी कि घबराने की जरूरत नहीं, 23 तारीख वाले 31 तारीख वाले बाकी बीच वाले पड़े, तो बीच वाले भैया दोनों डिफरेंस में झूल रहे हैं, बीच में जो झूला झूलते हैं इधर वाला वो इधर गया, तो बीच वाला थोड़ा सा खसका, देखो साइड वाला ज्यादा खसका कि बीच वाले को थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन लास्ट वाले को वो ऊपर हो गया, ऐसे झूला हुआ ऐसे वो ऊपर हो गया, बीच वाले थोड़ा ऐसा ही ऐसा है ऐसे, ठीक है। तो बीच वाले घबराओ मत, तुम्हें एनालिसिस में ही पता लग जाएगा, तुम्हारा ना ज्यादा घाटा होगा ना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो लगभग बीच वाले बीच में ही रहोगे, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो खुश रहो, मस्त रहो और बने रहो हमारे साथ, क्लास आने वाली है बहुत बेहतरीन गजब हिंदी की मैराथन, देखना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों को हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े, वहां पे आज पूरा प्रैक्टिस सेट आया, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, आंसर की भी आई है। टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाओ भाई, टेलीग्राम पे सुमित कुमार यूपी पुलिस, क्या डालना है आपको, सुमित कुमार यूपी पुलिस, सुमित कुमार एनालिसिस भी यहाँ पर पूरा मिलेगा, सुमित कुमार यूपी पुलिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, सुमित कुमार यूपी पुलिस सर्च करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हमारा दूसरा चैनल, जिसपे लाइव आके आप लोगों का सलूशन, आप लोगों की प्रॉब्लम, आप लोगों की कोई दिक्कत सभी, कल आप लोगों की सबकी एडमिट कार्ड मैंने चेक किया कि नहीं, सच बताना किस किस का एडमिट कार्ड मैंने चेक किया, रात 3-3 घंटे आप लोगों के साथ लाइव रहा और आप लोगों के एडमिट कार्ड चेक किए, तभी आज आंखें लाल दिख रही हैं आप लोगों को, सो नहीं पाया हूं आप लोगों की वजह से, लेकिन और क्या 5 दिन नहीं सो पाऊंगा, क्या दिक्कत है, आपका भविष्य तो बन जाएगा दोस्त, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत, क्लास देखना हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जुड़ जाओ, वहाँ पे आज प्रैक्टिस सेट आया, पूरा सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को बाकायदा बताया जाएगा, ठीक है। और मैथ की भी मैराथन लगेगी, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।